हाँ तो यूनिट 4 जो है ये अपना ख़त्म हो गया था। उसमें एक टॉपिक बचा है कैंसर। तो जब अपन जेनेटिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें म्यूटेशन जब पढ़ाऊँगा तब अपन कैंसर साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट 6 प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक है आपका फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप लाइट एनर्जी जो है इसको कन्वर्ट करते हो केमिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी हमारे लिए क्या है? तो केमिकल एनर्जी मीन्स आपका एटीपी एंड एनएडीएच और एनएडीपीएच। तो केमिकल एनर्जी मीन्स होता है आपका एटीपी, ठीक है। तो लाइट एनर्जी जो रहेगा इसको आपका ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है। तो एटीपी और एनएडीपीएच और एनएडीएच में अगर आपके लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? केमिकल एनर्जी का सिंथेसिस कर रहे हैं, इसलिए अपन इसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो जो भी अपन केमिकल एनर्जी यहाँ पे आपने सिंथेसिस किया है, एटीपी एंड एनएडीपीएच का सिंथेसिस किया है, इसको हम यूज़ करेंगे फॉर दी सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्लांट के लिए स्टोर्ड मटेरियल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मीन्स आपका शुगर हो गया। तो इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो आपके सुक्रोज का और स्टार्च का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। इट मीन्स आपने पहले एटीपी को बनाया, एनएडीपीएच को बनाया, और उसके बाद में जो एनर्जी आपने बनाई थी उसको यूज़ किया फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो केमिकल एनर्जी का सिंथेसिस करने में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जब अपन लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो लाइट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो होता है वाटर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करने के लिए हमारे पास में डोनर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप यूज़ करोगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और वाटर जो है इसको यूज़ करोगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे वाटर आपका यूज़ किया जा रहा है फॉर द सिंथेसिस ऑफ केमिकल एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जा रहा है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वाटर जो है ये अगर आपका केमिकल एनर्जी के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है तो इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। वाटर अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इस केस में वाटर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस में हमें कार्बोहाइड्रेट, केमिकल एनर्जी, इसके अलावा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे आपका सिंथेसिस होता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो आपके यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट, अल्गी, साइनोबैक्टीरिया, तो ये आपके जो भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स इसको क्यों बोला जाता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, और ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड सिंथेसिस कर सकते हैं। तो बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी ये खुद का फूड सिंथेसिस करते हैं और उसको स्टोर्ड भी करते हैं। तो इसलिए हम इसको फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। हर एक ऑर्गेनिज्म में आपका ये फोटोसिंथेसिस जो है ये फूड के सिंथेसिस के लिए किया जाता है। तो प्लांट, अल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, इसमें भले ही फोटोसिंथेसिस होता है बट जो भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पड़ेंगे फॉर दी सिंथेसिस ऑफ केमिकल एनर्जी, ये सब ऑर्गेनिज्म में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्पीशीज। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये जो आपका फोटोसिंथेसिस है, इसमें जब अपन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो लाइट पर्टिकुलर प्रोटीन एब्जॉर्ब करता है, और ये प्रोटीन जो है ये आपका फॉर्म करता है रिएक्शन सेंटर, जिसमें आपके ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए जो भी आपका रिएक्शन सेंटर रिस्पॉन्सिबल है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटीन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद प्लांट जो है, इसमें अगर अपन फोटोसिंथेसिस की बात करते तो प्लांट में आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में आपका फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है आपके प्लांट लीफ सेल्स में, ठीक है, क्योंकि आपका जो फोटोसिंथेसिस है ये सबसे ज़्यादा आपका कैरिड आउट किया जाता है लीफ में, तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है ये लीफ सेल में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्लांट में आपका फोटोसिंथेसिस आपके लीफ में इन क्लोरोप्लास्ट कैरिड आउट किया जाएगा। उसके बाद में अगर बैक्टीरिया की बात करते तो ये जो आपका रिएक्शन सेंटर की हमने बात की थी, तो रिएक्शन सेंटर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है ऑन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इन केस ऑफ प्लांट ये प्रेजेंट होता है इन दी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये आपका बेसिक हो गया फोटोसिंथेसिस का। अगर अपन फोटोसिंथेसिस में अगर कंट्रीब्यूशन देखते अलग अलग साइंटिस्ट का, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जोसेफ प्रेस्ली जो है, इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंटल एनिमल के ऊपर, जिसको बोला था कैंडल विथ बेल जार माउस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो कैंडल जार माउस एक्सपेरिमेंट जो है, इसमें ये सभी को पता है कि अगर जो भी आपका फ्लेम होता है ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, तो एनएरोबिक कंडीशन अगर आपको डेवलप करनी है तो उसके लिए कैंडल जार मेथड यूज़ किया जाता है। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट करना है तो उसके लिए अपन कैंडल जार मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें एक जार होता है जिसमें अपन कैंडल लगाते, उसके बाद में उस जार को अपन पैक कर देते हैं, ठीक है, या सील कर देते। उस जार में जितना ऑक्सीजन रहेगा या जब तक ऑक्सीजन मेंटेन रहेगा तब तक वो आपका जो फ्लेम है ये कंटिन्यू जलता है, ठीक है। अगर उस जार का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो आपका जो फ्लेम है ये ऑफ हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जब तक प्रेजेंट है तो फ्लेम रहेगा, और ऑक्सीजन अगर आपका ख़त्म हो गया तो फ्लेम आपका यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट अगर अपन करते हैं तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में माइस को रखा, जब तक आपका जार में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन जब तक अवेलेबल है तब तक आपका ये माइस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा, सर्वाइव करेगा। बट अगर ऑक्सीजन आपका ख़त्म हो गया तो ये आपका सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया कि आपका जो जार है इसमें माइस के साथ साथ प्लांट को भी रखा, तो अगर ये प्लांट को रखता है यहाँ पे, तो प्लांट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है इन दी फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन को ये प्रोड्यूस करता है, तो जब तक आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस करते रहेगा तब तक ऑक्सीजन ये आपका प्रोड्यूस करते रहेगा। ऑक्सीजन जब तक है तब तक आपका माइस भी सर्वाइव करेगा, और आपने यहाँ पे अगर कैंडल लगाया है तो कैंडल भी आपकी ऑन, आप कैंडल का फ्लेम भी आपको ऑन रहेगा तब तक जब तक आपका ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इससे ये आपका पता चला कि जो प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो प्लांट जो है ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका जोसेफ प्रेस्ली ने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में जैन एगेनहोज जो है, इसने आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो आपका जो एक्वेटिक प्लांट है
इसको इसने दो कंडीशन में रखा, एक लाइट कंडीशन और दूसरा डार्क कंडीशन। तो लाइट कंडीशन अगर है तो फोटोसिंथेसिस ये कर पाएगा, अगर आप नाइट वाला कंडीशन है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आप सेवन लाइट वाला अगर कंडीशन देखोगे तो लाइट वाले कंडीशन में ये फोटोसिंथेसिस करेगा जब तक आप इसको लाइट प्रोवाइड करोगे। तो फ्लेम जो है ये आपकी कंटिन्यू जलती रहेगी यहाँ पे, ठीक है। भले ही आपने ये जार को पैक करके रखा है, ऑक्सीजन जो जितना भी रहेगा आपके जार के अंदर में तब तक आपका फ्लेम रहेगा। तो प्लांट कंटिन्यूसली इन लाइट कंडीशन आपकी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे आपका फ्लेम जो है ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। बट इन नाइट कंडीशन में आपका जो प्लांट है ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और अगर ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता इसका मतलब ये आपका फ्लेम जो है ये आपका कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो आपका प्लांट है इसको ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसने क्या कंक्लूजन निकाला, सनलाइट इज इसेंशियल फॉर प्लांट प्रोसेस दैट प्यूरीफाई दी एयर। और हमें ये अभी पता है कि विदाउट लाइट आपका प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, मतलब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से पता चला कि प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है ये एगेन हॉज ने किया था और इसने बोला था कि आपका जो प्लांट है ये विदाउट लाइट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये हमें दूसरा क्लू मिल गया कि फोटोसिंथेसिस लाइट में ही होता है। उसके बाद में जूलियस वॉन साइज जो है इसने स्टोर्ड मटेरियल के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। तो जो भी आपका प्लांट है इसमें आपके शुगर स्टोर्ड होते हैं, तो स्टार स्टोर्ड होता है, सुक्रोज या ग्लूकोज यहाँ पे स्टोर्ड किया जाता है। तो ये आपका एक्सप्लेन किया था आपके जूलियस वॉन साइच ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है ये है आपका एंजलमैन का, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एंजलमैन एक्सपेरिमेंट जो है इसमें इसने क्या किया कि जो आपका ग्रीन अलगी है ये ग्रीन अलगी को इसने यहाँ पे आपके पर्टिकुलर एक चेम्बर में रख दिया। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन अलगी जो है इसमें आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पर्टिकुलर वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो इसने क्या किया, लाइट को पास किया प्रिज्म में से, प्रिज्म क्या करेगा यहाँ पे आपके सेवन कलर लाइट के प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे विब्योर आपका प्रोड्यूस हो गया। तो सेवन लाइट अगर यहाँ पे आपके प्रोड्यूस होते हैं तो आपका जो ग्रीन अलगी है ये क्या करेगा, इसके पास जो पर्टिकुलर पिगमेंट है जो आपका लाइट को एब्जॉर्ब करता है उस लाइट के ऊपर एब्जॉर्प्शन शो करेगा और उसी रीजन में ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये रेड रीजन जो है, ये रेड रीजन में आपका फोटोसिंथेसिस हुआ और आपका जो ब्लू रीजन था इस यहाँ पे आपका ये फोटोसिंथेसिस हुआ। तो ब्लू एंड रेड रीजन में अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो वहीं पे उसी रीजन में आपका क्या इवॉल्व होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। अगर ऑक्सीजन उसी रीजन में इवॉल्व होता है तो जो भी आपके एरोबिक बैक्टीरिया है ये एरोबिक बैक्टीरिया भी आपके एग्रीगेट होंगे कहाँ पे, जहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिख रहा है। तो एरोटैक्टिक बैक्टीरिया जो है इनका पॉपुलेशन आपके ब्लू रीजन में और रेड रीजन में आपको सबसे ज़्यादा मिला था, क्योंकि वहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है, उसी रीजन में फोटोसिंथेसिस होता है और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी आपका ब्लू एंड रेड रीजन में होता था। तो जो आपका एंजलमैन है इसने यहाँ पे ऑक्सीजन इवोल्यूशन जो है इसके लिए कौन सी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ज़रूरी है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया कि जो भी आपके फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं इनके पास जो फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स होते हैं वो ब्लू एंड रेड लाइट रीजन में ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्लू मिल गया अपने को। उसके बाद में मेन आपका क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन जो है ये इवोल्व
किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है या फिर वाटर से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर, इनमें से कौन सा आपका मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते तो उसमें आपका होता है एक कार्बन दो ऑक्सीजन, मतलब CO2 बराबर। वाटर की बात करते तो उसमें आपका H2O होता है। बट अगर अपने दो वाटर मॉलिक्यूल अगर लिए तो वो भी आपका ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कर सकता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते CO2 की, तो इससे ऑक्सीजन इवोल्व होता है। या फिर अगर अपन वाटर की बात करते तो ये वाटर आपका दो मॉलिक्यूल वाटर के अगर यूज़ करते हो आप, तो ये भी आपका O2 को प्रोड्यूस कर सकता है। तो दो में से कौन सा मॉलिक्यूल आपको ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये अगर आपको डिटरमाइन करना है तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट सबसे पहले आपके परफॉर्म किया था कॉर्नेलिस वैन नील ने, ठीक है। तो जो आपका कॉर्नेलिस वैन नील है, इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें इसने ऑक्सीजन का आइसोटोप यूज़ किया फॉर द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ये यूज़ किया फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ये अगर ये यूज़ करता है तो ये CO2 को स्प्लिट नहीं करता था इनटू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 18 ऑक्सीजन को इसने यूज़ किया, ये आपका ऑक्सीजन का हेवी आइसोटोप है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के बाद में यहाँ पे एक आपको रिएक्शन दिख रही है, ट्वाइस H2A प्लस CO2 इज कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस ए प्लस CH2O प्लस H2O। तो A जो है ये A आपका इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, ठीक है। अगर अपन H2O के जगह पे H2A अगर आप लेते हो तो H2A अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो क्या होगा, सॉरी A जो है ये अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो क्या होगा, H2A जो है ये अगर आपका कन्वर्ट होता है ट्वाइस A में तो H2O ट्वाइस H2O, ठीक है। ट्वाइस H2O जो है इससे आपको क्या मिल रहा है, ट्वाइस A के जगह पे अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये O आ गया आपका। तो A के जगह पे O लिखो तो ट्वाइस O का मतलब होता है आपका O2 बराबर। तो ये एक्सपेरिमेंट से इसने ये प्रूव किया कि आपका जो वाटर है, ये वाटर ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ऑक्सीजन के इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ये O2 को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको फिर से आपका एक्सप्लेन किया था रॉबर्ट हिल ने। तो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है रॉबर्ट हिल का। तो नील एंड रॉबर्ट हिल ये जो आपके दो साइंटिस्ट थे, इनका कंट्रीब्यूशन है कि ऑक्सीजन को कौन प्रोड्यूस करता है या ऑक्सीजन इवोल्यूशन के लिए कौन सा मॉलिक्यूल आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हिल, रॉबर्ट हिल जो है इसने हिल रिएक्शन में एक रिएजेंट यूज़ किया जिसको बुलाता है हिल रिएजेंट। इसका नाम आपको दो मार्क के लिए याद रखना है, 2,6 डाइक्लोरोफिलीन इंडोफिनॉल, ठीक है। तो डाइक्लोरोफिलीन इंडोफिनॉल जो है ये आपका हिल रिएजेंट है जो दो मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिल रिएक्शन में इसने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल और HA मतलब आपका हिल रिएजेंट यूज़ किया। उसके बाद में वाटर H2O जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा HA को, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू AH2 और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन
इवॉल्व हो गया, बराबर। तो AH2 जो है ये आपका रिड्यूस फॉर्म है, मतलब पहले जो आपका हिल रीजन था ये आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म था, और ऑक्सीडाइज फॉर्म जो है ये अगर वाटर से इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस फॉर्म में। तो यहाँ पे ए दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं फ्रॉम दी वाटर मॉलिक्यूल और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ट्वाइस AH2 में, ठीक है। हिल रिएजेंट जो है ये आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म में ब्लू कलर का होता है, बट अगर ये रिड्यूस होता है तो ये आपका कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर आप यहाँ पे रिएक्शन अगर देखोगे तो इसने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें वाटर ऐड किया, उसके बाद में हील रिएजेंट ऐड किया, उसके बाद जो भी प्लांट है उसका एक्सट्रैक्ट ऐड किया। प्लांट एक्सट्रैक्ट में रहेंगे आपके क्लोरोप्लास्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होगा, वाटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आपके HA को, और HA इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस होगा तो आपका जो ब्लू कलर है इट इज़ कन्वर्ट इनटू कलरलेस, ठीक है। तो अगर कलरलेस में अगर ये हिल रिएजेंट का कन्वर्शन होता है इसका मतलब वो रिड्यूस हुआ, और रिडक्शन के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल था आपका वाटर, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन डिटेक्टिंग इलेक्ट्रोड जो रहेगा ये आपके ऑक्सीजन को भी डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से फिर से प्रूव हो गया कि वाटर जो है ये इलेक्ट्रॉन का डोनर भी होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो फाइनली जो आपका नील है और हील है ये दोनों के एक्सपेरिमेंट के बाद में आपको यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है इसका एक करेक्ट इक्वेशन मिल गया। तो फोटोसिंथेसिस का करेक्ट इक्वेशन अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे 6 CO2 मॉलिक्यूल इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ हेक्सोजेस, मतलब जो भी आपका 6 कार्बन वाला शुगर है उसका सिंथेसिस अगर आपको करना है तो 6 CO2 यूज़ करने पड़ेंगे आपको। तो 6 CO2 अगर आपने यूज़ किए इन प्रेजेंस ऑफ 6 वाटर मॉलिक्यूल, तो 6 जितने आपको कार्बन चाहिए उतने ही आपको वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आपका कार्बन CO2 आप यूज़ करोगे उतना ही आपको यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो 6 CO2 + 6 H2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट इज़ कन्वर्ट टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज C6H12O6, और यहाँ पे आपके पास में 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये इवॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट यहाँ पे अपन ने रिएक्शन लिखा है तो फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे क्या लिखा है, 6 वाटर, ठीक है। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे आप यूज़ करते हो तो अगर ये इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 6 CO2 से आपको 6 कार्बन, ठीक है। उसके बाद में आपके 12 ऑक्सीजन हो गए, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, बराबर। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपके पास में जो 6 ऑक्सीजन है ये यहाँ पे रिमेनिंग है, तो 6O2 अगर यहाँ पे आप कंसिडर करते हो तो टोटल यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के 18 मोल एटम्स होने चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे इसको ये इक्वेशन को अपन ने थोड़ा सा करेक्ट किया है, ये इक्वेशन आपका हो गया अभी 6 CO2 अगर है तो यहाँ पे आपको 12 वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब 12 वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको शुगर बनाने के लिए ही वाटर मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, आपको ATP जनरेशन के लिए भी वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए 6 CO2 + यहाँ पे आपको लगेंगे 12 वाटर मॉलिक्यूल, तो ये हमारा करेक्ट इक्वेशन बन गया अभी, ठीक है। तो 6 कार्बन अगर है तो 12 वाटर मॉलिक्यूल आपको लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 6 CO2 के लिए आपको 12 H2O लगेगा, उसके बाद में यहाँ पे बन गया आपका C6H12O6। तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन में 6H2O जो है यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 6H2O अगर आपने ऐड किया तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 6H2O + 6O2 मॉलिक्यूल, बराबर। तो
तो ये इक्वेशन और आपका ये इक्वेशन में डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 6H2O लिखा है तो दोनों भी तरफ जो है अपन ने 6H2O 6H2O को कैंसिल किया तो ये डायरेक्ट लिखा जाता है 6H2O, बट करेक्ट इक्वेशन आपका यही है, 6CO2 प्लस 12H2O इज कन्वर्टेड इनटू 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो जितने यहाँ पे आपके पास में वाटर मॉलिक्यूल अपन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 12 अगर लिखा है तो यहाँ पे आपको 6 जो है इधर ऐड करने पड़ेंगे, तो 6 6 अगर कैंसिल करते आप तो यहाँ पे फिर से आपके पास जो रिएक्टेंट है आपका यहाँ पे बच जाता है 6 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, बट करेक्ट जो है मैंने बोला है कि यहाँ पे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल आपको सिंथेसिस के लिए नहीं लगेगा, यहाँ पे एनर्जी आपके पास में दो फेजेस होते हैं, एक फेज़ होता है आपके पास में लाइट फेज और दूसरा होता है डार्क फेज, तो ये कंबाइन मिलके हमने यहाँ पे 12 वाटर मॉलिक्यूल को लिखा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको करेक्ट अगर इक्वेशन पढ़ना है तो ये आपका करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो जितने CO2 उसके डबल आपको क्या यूज़ करने पड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास में ये है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, ये हो गया बराबर। फोटोसिंथेसिस को अगर सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ में अगर अपन कंपेयर करते तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस में फूड बनाया जाता है बराबर, तो यहाँ पे अपन ने 6 कार्बन को यूज 6 CO2 को यूज़ किया फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ग्लूकोज को यूज़ कर रहे हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। यहाँ पे आपका जो ग्लूकोज है इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो इनटू CO2 प्लस वाटर तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ पे आपका लार्ज अमाउंट में क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज ΔG। ठीक, तो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस ये है कि हम यहाँ फोटोसिंथेसिस में फूड बनाते हैं और रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं, फूड को यूज़ कर रहे हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। ठीक है, तो ये आपका हो गया फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन का डिफरेंस। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है जिसमें अपन ने यहाँ पे शुगर बनाया, यहाँ पे शुगर यूज़ किया, यहाँ पे ATP का यूज़ किया, यहाँ पे ATP का अपन ने जनरेशन किया। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट प्लांट में अगर अपन फोटोसिंथेसिस अगर देखते हैं तो फर्स्ट फोटोसिंथेसिस का साइट होता है आपका लीफ, लीफ में आपका फोटोसिंथेसिस होगा और लीफ में कहाँ पे होगा, तो लीफ को अगर आप कट करोगे तो यहाँ पे आपके पास में लीफ में नंबर ऑफ सेल्स होते हैं जिसको आप मेसोफिल सेल बोलोगे, ये सेल जो है आपके इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो इसमें आपका प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट जो आपका प्लांट सेल ऑर्गेनल है और ये सिर्फ आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल ऑर्गेनल जो है आपका क्लोरोप्लास्ट, इसमें आप अगर देखते हो तो इसमें आपके पास में आउटर मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन होता है और उसके बाद में यहाँ पे आपको थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन दिखेगा। तो ये आपका 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को अपन थाइलाकॉइड्स बोलते हैं, तो यहाँ पे स्टैक्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ग्राना। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिक्विड पोर्शन आपका प्रेजेंट होता है, तो जो भी यहाँ पे आपका लिक्विड पोर्शन है, जो भी स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, तो ये लिक्विड पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्ट्रोमा। ठीक है, तो जो आपका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर आपका लाइट रिएक्शन चलता है और इसी के ऊपर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर ही आपके लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जैसे अपन ने बैक्टीरिया की बात की थी, बैक्टीरिया जो है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपको लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट मिलेंगे, तो ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपको लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे जो प्लांट है, प्लांट में आपका
क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में आपको थाइलाकॉइड मिलेगा, ठीक है, और थाइलाकॉइड जो है इसके मेम्ब्रेन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट मिलेगा जो लाइट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, अगर अपन प्लांट की बात करते, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट की अगर अपन बात करते, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो लीफ में होता है। तो लीफ में कौन से सेल में होता है, तो मेसोफिल सेल में होता है। मेसोफिल सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है तो क्लोरोप्लास्ट में आपके होते हैं यहाँ पे थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन रहेगा इसके ऊपर होते हैं आपके पास में लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रोमा, जहाँ पे आपका डार्क रिएक्शन होगा, लाइट इंडिपेंडेंट फेज स्ट्रोमा में कैरिड आउट किया जाता है, तो लाइट डिपेंडेंट फेज जो है ये कैरिड आउट किया जाता है आपका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इसका मतलब लाइट रिएक्शन में जब अपन एटीपी का सिंथेसिस करेंगे, तो ये आपका लाइट को एब्जॉर्ब करेगा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, आपके केमिकल एनर्जी में, दैट इज़ ATP एंड NADPH। तो NADPH बन गया, और ये NADPH जो है इसको यूज़ किया जाएगा फॉर दी सिंथेसिस ऑफ शुगर और फूड, ठीक है। तो शुगर और फूड जो है इसका सिंथेसिस करने के लिए अपन क्या करेंगे, ATP को यूज़ करेंगे। तो शुगर और फूड जो है इसका सिंथेसिस कहाँ पे किया जाता है, तो इसका सिंथेसिस किया जाता है स्ट्रोमा में, ठीक है। चलो, तो उसके बाद में नेक्स्ट जो है लाइट एब्जॉर्प्शन जो है इसकी अगर अपन बात करते, तो लाइट एब्जॉर्प्शन में जब आपका कोई भी मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करने का है, उस केस में वो आपका ग्राउंड स्टेट में होता है। लाइट एब्जॉर्प्शन करने के पहले अगर वो आपका ग्राउंड स्टेट में है, तो आफ्टर लाइट एब्जॉर्प्शन वो आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट आपकी दो टाइप की होती है, लोअर एक्साइटेड स्टेट एंड हायर एक्साइटेड स्टेट। लोअर एक्साइटेड स्टेट को अटेंड करने के लिए एनर्जी कम लगती है, तो हायर एक्साइटेड स्टेट जो है इसको अटेंड करने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो लोअर एक्साइटेड स्टेट में अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल अगर पहुंचता है, तो एक्साइटेड क्लोरोफिल हैज़ फोर अल्टरनेटिव पाथवे, मतलब वो आपका एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज करेगा। तो एक है आपका फ्लोरोसेंस, मतलब वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करके लाइट को ही इमिट करता है। तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी को ही अगर वो इमिट करता है, तो उसको अपन बोलेंगे फ्लोरोसेंस। बट कौन से लाइट को वो इमिट करना चाहिए, तो अपन बोलते कि लोअर वेवलेंथ वाली लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा, और हायर वेवलेंथ वाली लाइट को अगर वो इमिट करता है, तो उसको बोला जाता है फ्लोरोसेंस। तो पहला हो गया आपका फ्लोरोसेंस के फॉर्म में वो आपका एनर्जी को रिलीज कर सकता है। उसके बाद में वो आपका अगर एनर्जी को हीट के फॉर्म में रिलीज करता है या फिर लाइट के फॉर्म में रिलीज करता है, तो उस केस में वो आपका ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। तो हीट के फॉर्म में भी वो एनर्जी को रिलीज़ कर सकता है। उसके बाद में थर्ड जो है, ये थर्ड क्या है, तो एनर्जी ये किसी न किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका फोर्थ प्रोसेस होता है फोटोकेमिस्ट्री का, जिसमें आपका जो लाइट एनर्जी है ये दूसरे आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को पास किया जाता है। तो जैसे अपन ने बोला था कि एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, हीट के फॉर्म में रिलीज़ कर सकते हो, या फ्लोसेंस के फॉर्म में रिलीज़ कर सकते हो। तो आपका जो सबसे लास्ट वाला प्रोसेस है फोटोकेमिस्ट्री, इसमें एनर्जी को हम यूज़ करते किसके लिए, आपके केमिकल रिएक्शंस को कैरिड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये चार टाइप से आपके एनर्जी को रिलीज किया जाता है। बट इसमें से आपका जो
फोटोकेमिकल रिएक्शंस है ये आपका सबसे फास्ट होता है। तो जितने भी अपन ने चार प्रोसेसेस पढ़े उसमें से सबसे फास्ट होता है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद में ये आपका जो अपन ने लाइट एब्जॉर्प्शन का जो अपन ने लोअर एक्साइटेड स्टेट एंड हायर एक्साइटेड स्टेट की बात की, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई ना कोई आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जो आपका ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट है। ग्राउंड स्टेट जो है इसमें आपका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, तो इसको बोला जाता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट। अब ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को अगर ये एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करने के बाद में ये पहुंच गया आपका हायर एक्साइटेड स्टेट में। हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए उसको एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा लगती है। तो ये बॉक्स जो है हायर एक्साइटेड स्टेट का, इसको अपने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है। ब्लू कलर से क्यों इंडिकेट किया है, वो इंडिकेट करता है कि उसने ब्लू कलर का लाइट एब्जॉर्ब किया था। ब्लू कलर का अगर वो लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इसका मतलब वो आप ब्लू कलर वाला जो लाइट है इसकी वेवलेंथ कम होती है, तो एनर्जी ज़्यादा होता है। तो वो आपका हाईएस्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उसको अगर ग्राउंड स्टेट पे आना है तो वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट पे नहीं आ सकता, उतना वो एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर सकता या उतने वेवलेंथ वाले लाइट को रिलीज़ डायरेक्टली नहीं कर सकता, बराबर। तो वो एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है, पहले हीट के फॉर्म में। तो हीट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ करने के बाद में ये पहुंच जाएगा अभी लोअर एक्साइटेड स्टेट में। बट अगर अपन रेड लाइट की अगर बात करते हैं तो उसकी वेवलेंथ होती है ज़्यादा और उसका एनर्जी होता है कम। तो हायर वेवलेंथ वाली जो लाइट है इसका एनर्जी कम होने के कारण ये आपका लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। तो लोअर एक्साइटेड स्टेट में आपका जो रेड लाइट है इसके प्रेजेंस में आपका क्लोरोफिल जो है ये लोअर एक्साइटेड स्टेट में आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर लोअर एक्साइटेड स्टेट से इसको ग्राउंड स्टेट पे अगर आना है तो इसके लिए ये फ्लोरोसेंस शो कर सकता है या फिर ये एनर्जी को डोनेट कर सकता है कोई तो भी आपके दूसरे मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये फ्लोरोसेंस शो कर सकता है या फिर ये कोई भी दूसरे मैकेनिज्म से आपके एनर्जी को क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते कि अगर फोटोसिंथेटिक जो इफ़िशेंसी है, ये अगर आप फोटोसिंथेसिस इफ़िशेंसी की अगर आप बात करते हो तो ये सबसे ज़्यादा आपका इफ़िशेंट होता है आपके रेड लाइट के ऊपर। तो आपका रेड लाइट को ही प्रेफरेंस ज़्यादा क्यों दिया जाता है, या अपन ऐसे बोलेंगे ये रेड लाइट के ऊपर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा क्यों होता है, उसका इफ़िशेंसी ज़्यादा क्यों होता है। तो अगर आप रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हो तो रेड लाइट में आपका एनर्जी कम होता है, तो वो कोई भी आपके लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट को या फोटो सिस्टम को वो लोअर एक्साइटेड स्टेट पे भेजेगा। और लोअर एक्साइटेड स्टेट में अगर वो जाता है तो एनर्जी को किसी भी फॉर्म में रिलीज कर सकता है जहाँ पे आपका हीट बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है, बराबर। हीट अगर बहुत कम प्रोड्यूस होता है मतलब टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ेगा, हीट नहीं बढ़ेगी। हीट अगर नहीं बढ़ेगी तो आपके फोटो सिस्टम को कोई भी डैमेज नहीं होगा, इसलिए रेड लाइट के ऊपर फोटोसिंथेसिस मोर इफिशियंटली कैरिड आउट किया जाता है। बट अगर ब्लू लाइट की बात करते हैं तो ब्लू लाइट के ऊपर भी फोटोसिंथेसिस होता है बट उतना इफिशियंटली नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हर बार आपको क्या करना पड़ रहा है, पहले हीट लॉस करना पड़ रहा है, ग्राउंड आपके लोअर एक्साइटेड स्टेट पे आना पड़ रहा है, और लोअर एक्साइटेड स्टेट पे आने के बाद में फिर एनर्जी को अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये आपका हो गया ब्लू लाइट जिसके ऊपर हायर एक्साइटेड स्टेट को अपन अटेंड कर सकते हैं बट यहाँ पे हीट का प्रॉब्लम आएगा, और रेड लाइट के ऊपर आप लोअर एक्साइटेड स्टेट को अटेंड करोगे जहाँ पे आप हीट जो है ये बहुत कम प्रोड्यूस की जाती है, तो फोटोसिंथेसिस जो है ये रेड लाइट के ऊपर मोर एफिशिएंटली कैरिड आउट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब दी लाइट दैट पावर्स दी फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है यही आपके मेन होते हैं इन दी लाइट रिएक्शन, बराबर। तो लाइट रिएक्शन जो रहेगा इसमें आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस का स्टार्टिंग ही वहीं से किया है कि लाइट एनर्जी को
को एब्जॉर्ब करके आप उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, बराबर। तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में आप तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब आपके पास में लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स हो। लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स यहाँ पे अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्लोरोप्लास्ट जो है, इसमें जो अपन ने थाइलाकॉइड्स पढ़ा था, तो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे आपका होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या अपन फोटो सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्लस्टर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एम्बिडेंट इन मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल जो है यह आपके कहाँ पे एम्बिडेंट है, आपके थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल की अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्लोरोफिल ए एंड बी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे CH3 जो है इसके जगह पे अगर अल्डिहाइड ग्रुप अगर आता है तो इसको बोला जाता है क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो ये आपका पोरफायरिन रिंग है जो जिसको अपन हेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और उसके बाद में ये आपका हाइड्रोकार्बन का टेल होता है जो आपका क्या होता है, नॉन पोलर। तो ये आपका एक लिपिड की तरह हो गया, तो ये लिपिड स्ट्रक्चर की तरह हो गया जो आपका मेम्ब्रेन में क्या रहेगा, एम्बिडेंट रहेगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है ये आपका लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, बराबर। तो यहाँ पे क्लोरोफिल के अलावा भी आपके पास अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपके लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए। तो क्लोरोफिल ए जो है यहाँ पे CH3 है, क्लोरोफिल बी अल्डिहाइड है। तो बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए जो है इसमें और आपके क्लोरोफिल ए में डिफरेंस क्या है, तो आपका यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का ग्रुप अटैच हो गया एसिटी अल्डिहाइड का, बराबर। तो ये एसिटी अल्डिहाइड यहाँ पे अटैच है, और आपका जो CH3 रहेगा इसके साथ में एक H एक्स्ट्रा का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बी रिंग है उसके कार्बन के ऊपर CH3 और H ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो ये आपका सिर्फ डिफरेंस है बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए के बीच में, ठीक है। बाकी का स्ट्रक्चर आपका सेम होता है। तो बैक्टीरिया क्लोरोफिल आपके प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, तो क्लोरोफिल जो है ये प्रेजेंट होता है आपके प्लांट है। क्लोरोफिल के अलावा यहाँ पे और आपके लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैरोटीनॉइड्स, तो इसमें आपका जो बीटा कैरोटीन है, या फिर आपके बाकी के कैरोटीनॉइड्स है, ज़ांथोफिल हो गया, ठीक है, वायलोज़ैंथिन हो गया, ज़ियाज़ैंथिन हो गया, तो ये स्ट्रक्चर आपके लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फाइको इरिथ्रोबिलिन जो है ये आपका बिलिन पिगमेंट है जो आपका लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में आपके पास में नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट ये पाए जाते हैं, इनको हमने कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी पिगमेंट जो है इसमें पढ़ा जाता है क्लोरोफिल ए का, और क्लोरोफिल ए जो है ये हमारे रिएक्शन सेंटर का पार्ट होता है। रिएक्शन सेंटर जो है इसमें आपका इम्पोर्टेंट है क्लोरोफिल ए, और रिएक्शन सेंटर ही आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टार्ट करता है। तो रिएक्शन सेंटर के पास में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता तब तक आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में नहीं जाता, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि ये आपका प्राइमरी पिगमेंट है, ये रिएक्शन सेंटर का पार्ट होता है, ठीक है। और ये आपका रेड रीजन एंड ब्लू रीजन में आपका एब्जॉर्प्शन शो करता है। उसके बाद में एसेसरी पिगमेंट या फिर सेकेंडरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट और सेकेंडरी पिगमेंट जो है इनका काम होता है हेल्प करना आपके फोटोसिस्टम को, मतलब जो काम क्लोरोफिल ए नहीं कर सकता, जो लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे आपके एसेसरी पिगमेंट और सेकेंडरी पिगमेंट। तो एब्जॉर्बिंग लाइट वेवलेंथ अदर देन दोज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो आपका जो एसेसरी पिगमेंट है इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास में क्लोरोफिल बी का। क्लोरोफिल बी जो है ये येलो ग्रीन रिफ्लेक्शन होता है इसमें, और आपका जो क्लोरोफिल बी है ये आपके क्लोरोफिल ए के साथ में मिलके काम करता है, ठीक है। उसके बाद में क्लोरोफिल बी जो है ये उस वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्प्शन दिखाता है जो वेवलेंथ आपका ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो
क्लोरोफिल ए जो है जिस वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता उसके ऊपर आपका क्लोरोफिल बी एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी का अगर आप एब्जॉर्प्शन का पैटर्न अगर आप देखोगे तो क्लोरोफिल बी जो है ये आपके क्लोरोफिल ए के कंपैरिजन में अगर आप एब्जॉर्प्शन अगर देखते हो तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लू के बाद में एब्जॉर्प्शन शो करता है और रेड के पहले एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो ए जो है ये आपका ब्लू एंड रेड रीजन के ऊपर एब्जॉर्प्शन शो करेगा, ठीक है। उसके बाद में कैरेटोनाइड जो है ये आपका येलो ऑरेंज कैरेटोनाइड पिगमेंट्स होते हैं, ये आपका एंथोसाइनिन जो है रेड पिगमेंट है, उसके बाद में आपका फिकोसैंथिन ब्राउन पिगमेंट है और ज़ैंथोफिल जो है ये आपका येलो है, ठीक है। उसके बाद अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अगर आप देखते हो यहाँ पे तो कर्व वन फर्स्ट जो है ये किसका है, तो ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल का है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है ये आपके अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रा रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। इंफ्रा रेड आपका रेड के बाद में लगता है और अल्ट्रा वायलेट आपका वायलेट के पहले आता है। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में और इंफ्रा रेड रीजन में आपका बैक्टेरियो क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन शो करता है। क्लोरोफिल ए अपन ने पढ़ा है ये आपका कौन से रीजन में, रेड एंड ब्लू रीजन में। तो रेड एंड ब्लू वायलेट रीजन में आपका ये सेकेंड ग्राफ दिख रहा है, ग्रीन वाला ग्राफ। तो ग्रीन ग्राफ एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है आपका ब्लू वायलेट एंड रेड रीजन में। तो क्लोरोफिल बी का मैंने बोला था कि ये ब्लू के थोड़ा आगे और रेड के थोड़ा पहले आपका एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो ये देखो सेकेंड के बाद में ये थर्ड आ गया आपका क्लोरोफिल बी, तो ये ब्लू के थोड़ा बाद में और रेड के थोड़ा पहले, बराबर। तो ये आपका रेड के थोड़ा पहले एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है जिस वेवलेंथ के ऊपर आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए जो है एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता। उसके बाद में कर्व फोर जो है ये आपको फाइको इरिथ्रोबिलिन का देखने को मिलेगा जो एब्जॉर्प्शन शो करता है 500 और 600 के बीच में, ठीक है, जो आपका ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बीटा कैरोटीन जो है ये बीटा कैरोटीन आपका फिफ्थ वाला कर्व शो कर रहा है। तो जो ब्लू कलर का कर्व है ये आपका बीटा कैरोटीन का है और ये आपका एब्जॉर्प्शन शो करता है फ्रॉम दी यूवी टू वॉयलेट रीजन, सॉरी आपका ब्लू रीजन। तो यहाँ पे आपका ये अल्ट्रा वॉयलेट टू ब्लू रीजन तक एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, मतलब 400 से 500 के बीच में आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ आपके लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स और उनके एब्जॉर्प्शन के ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको 4 मार्क के लिए याद रखना है और ग्राफ को याद रखने का भी एक तरीका है कि आपका जो रे आपका जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोफिल ए का आपको पहले याद रखना है रेड एंड ब्लू रीजन, मतलब 400-500 में ब्लू आता है, जैसे अपना जो विजिबल है ये 400 से स्टार्ट होके 700 पे ख़त्म हो जाता है, बराबर। तो जो आपका क्लोरोफिल ए है ये 400 और 500 के बीच में एक ग्राफ बताएगा और उसके बाद में आपका 700 के पास पास मतलब रेड रीजन में आपका सेकेंड वाला पीक बताएगा। उसके बाद में क्लोरोफिल बी जो है इसको आपको थोड़ा अंदर ग्राफ निकालना है, मतलब थोड़ा सा जो ब्लू जिस रीजन पे आपका ए एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है उसके थोड़ा आगे आपको क्या निकालना है बी का, और रेड रीजन पे जहाँ पे एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है उसके पहले आपको बी का ग्राफ निकालना है। तो क्लोरोफिल ए एंड बी जो है इसका दो पीक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए जो है इसका याद रहता है क्योंकि ये आपका विजिबल रेंज में एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाता, ये आपका रेड के बाहर और वॉयलेट के पहले। तो वॉयलेट के पहले अल्ट्रा वॉयलेट और रेड के बाद में इंफ्रा रेड आता है। बचा है फाइको इरिथ्रोबिलिन का और बीटा कैरेटीन का। बी पहले आता है इसलिए 400-500 के बीच में बीटा कैरेटीन शो कर रहा है। पी अल्फाबेटिकली बाद में आता है इसलिए वो 500-600 के बीच में आपका ग्राफ शो करता है। तो ये अल्फाबेटिकली इसका नाम आ रहा है इसलिए एब्जॉर्प्शन बाद में शो नहीं कर रहा है वो, ये अपना याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, तो ये जो आपका एंजलमैन एक्सपेरिमेंट इसके पहले हमने एक्सप्लेन किया था, तो एंजलमैन एक्सपेरिमेंट जो है इसने यहाँ पे जो भी फोटोसिंथेटिक आपका ग्रीन अल्गी है
इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। इस एक्सपेरिमेंट से इसने ये प्रूव किया था कि जो आपका लाइट एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो भी फोटो सिस्टम होता है, ये ज़्यादा करके आपका रेड रीजन और ब्लू रीजन पे काम करता है। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट है आपका इमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। तो ये जो दो इफेक्ट है, रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। अगर रेड ड्रॉप इफेक्ट की अगर अपन बात करते हैं, तो रेड रीजन के बाद में आपको फोटोसिंथेसिस जो है ये कम मिल रहा है। तो जैसे एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें आपका रेड रीजन के बाद में आपका ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता, मतलब रेड रीजन के बाद में आपका ऑक्सीजन अगर इवॉल्व नहीं हो रहा है, तो जो भी ऑक्सीजन इवॉल्व करने के लिए आपको फोटोसिस्टम काम आपका कर रहा है, वो सिर्फ रेड रीजन पे ही काम करता है। तो हम आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा कि रेड रीजन के बाद में आपको फोटोसिंथेसिस जो ये ऑक्सीजन जो है इसका इवोल्यूशन कम क्यों हो जाता है। तो इमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट जो है आपका, ये आपका एंजलमैन एक्सपेरिमेंट से ही एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसे रेड रीजन के बाद में अगर आप ऑक्सीजन का इवोल्यूशन अगर देखोगे तो बहुत कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि रेड रीजन के बाद वाला अगर वेवलेंथ आप प्रोवाइड करते हो, तो वहाँ पे आपका जो फोटोसिस्टम टू है, जो रेड रीजन पे एब्जॉर्प्शन शो करता है, जो ऑक्सीजन को इवोल्व करता है, वो काम करना बंद कर देता है। इसलिए रेड रीजन के बाद में ऑक्सीजन इवोल्व नहीं हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन किया गया, बराबर। तो क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, ये अपन ने ऑक्सीजन इवोल्यूशन के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है, और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन रेड रीजन के बाद में कम हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है रेड ड्रॉप इफेक्ट। उसके बाद में इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। तो इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट में क्या एक्सप्लेन किया गया है? तो इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट में आपका इमर्सन ने पहले क्या किया, फार रेड लाइट को प्रोवाइड किया। फार रेड लाइट को प्रोवाइड करने के बाद में इसने फोटोसिंथेटिक रेड को निकाला, तो फोटोसिंथेटिक रेड जो है आपको इतना मिला, बराबर। तो वाई एक्सिस के ऊपर अपन ने रेट ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिया है, तो फोटोसिंथेटिक रेट आपको इतना मिला। उसके बाद में आपने लाइट को बंद कर दिया, तो फोटोसिंथेसिस कम हो गया। रेड लाइट को स्टार्ट किया, तो फिर से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया, उसका भी रेट इतना ही मिला। लाइट को ऑफ किया, तो फोटोसिंथेसिस फिर से स्टॉप हो गया। अगर आप दोनों भी लाइट को एक साथ प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक रेट आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि रेड लाइट और फार रेड लाइट, ये दोनों भी लाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी सिंथेसिस, फॉर दी एक्टिवेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और मोर इफिशियंट एक्टिवेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है ये मोर इफिशियंटली अगर आपको परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको फार रेड लाइट एज वेल एज रेड लाइट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आपका जो रेड लाइट है और फार रेड लाइट है, ये दोनों आपके फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए अगर लग रहा है, तो वहाँ पे आपके दो अलग अलग फोटोसिस्टम काम करते हैं। तो फोटोसिस्टम वन एंड टू, ये दो अलग अलग लाइट के ऊपर काम करेंगे, जो आपके फोटोसिंथेटिक रेट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट में क्या बताया यहाँ पे, कि अगर दोनों लाइट अगर आप प्रोवाइड करते हो, तो आपका रेड जो है ये इन्हांस हो जाता है, इसलिए इसको बुलाता है इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। तो रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। रेड ड्रॉप इफेक्ट में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन रेड लाइट के बाद में कम हो जाता है, और यहाँ पे इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट में रेड लाइट प्लस फार रेड लाइट अगर ये आप दोनों यूज़ करते हो, तो फोटोसिंथेसिस जो है इसका रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन कॉम्प्लेक्सेस। तो आपका जो फोटोसिंथेसिस है, इसके लिए पर्टिकुलर फोटोसिस्टम आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फोटोसिस्टम जो रहेगा, इसमें आपके पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग एंटीनास प्रेजेंट होते हैं, और फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे इस डायग्राम में आपका जो फोटोसिस्टम का डायग्राम है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये आपका जो पर्टिकुलर अपन ने यहाँ पे
डिस्कलाइक स्ट्रक्चर निकाले हैं, या डिस्कलाइक स्ट्रक्चर मतलब आपके लिए एंटीना पिगमेंट्स है। तो एंटीना पिगमेंट्स कौन से आपके, तो एंटीना पिगमेंट्स मतलब एसेसरी पिगमेंट जो आपके सेकेंडरी पिगमेंट्स होते हैं। तो क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी जितने भी लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है वो आपके एसेसरी पिगमेंट है जो एंटीना पिगमेंट की तरह काम करते हैं। ये सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, आपके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते जाएंगे। एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के बाद में ये कोर रीजन में हमने रखा है आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज़ क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए जो है या अगर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो ये आपका रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल जो है, ये आपका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा किसको, आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये यहाँ पे आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल दैट इज क्लोरोफिल ए जिसको अपने प्राइमरी पिगमेंट बोला था, ये दोनों मिलके यहाँ पे फॉर्म करते हैं रिएक्शन सेंटर। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंटेना पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एनर्जी डोनेट करता है किसको, आपके रिएक्शन सेंटर को। तो फोटो सिस्टम जो है इसमें आपके लाइट हार्वेस्टिंग एंटेना पिगमेंट प्लस रिएक्शन सेंटर, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है इसका अगर अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट में आपके यहाँ पे प्रोटीन के अलावा यहाँ पे आपके पास पिगमेंट प्रेजेंट रहेंगे। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे प्रोटीन के अलावा आपके पास में पिगमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्लोरोफिल ए बी के अलावा यहाँ पे बाकी के भी आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। तो जैसे अपन ने ये फोटो सिस्टम का डायग्राम पढ़ा था, तो इसमें आपका ये लाइट जो है, लाइट को आपका एब्जॉर्ब करेगा, हाँ लाइट जो है इसको एब्जॉर्ब करेंगे आपके एंटेना मॉलिक्यूल। उसके बाद में एंटेना पिगमेंट जो रहेंगे ये आपके लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा टू दी क्लोरोफिल ए जो हमारे रिएक्शन सेंटर का पार्ट होता है। उसके बाद में जो आपका क्लोरोफिल ए जो है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये फिर आपका जो एनर्जी है ये आगे पास करता है, ठीक है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है जिसमें आपके लाइट हार्वेस्टिंग एंटेना पिगमेंट्स हैं, बराबर। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, पहले आपके लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद में एनर्जी पास कर रहा है आपके रिएक्शन सेंटर में, और रिएक्शन सेंटर के पास में क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड क्लोरोफिल ए, बराबर। और उसके बाद में फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये स्टार्ट हो रहा है। तो अभी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका कैसे दिखता है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में एक तो कंफर्म हो गया कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आपके पास में क्या है, ये स्फेरिकल फॉर्म में या डिस्क शेप में क्या दिख रहा है आपको, ये सारे पिगमेंट्स है, बराबर। इसके साथ में आपके पास में क्या होता है या ये किसके साथ में एसोसिएट होते हैं, तो ये आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है इसका ये इमेज है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आपके पास में क्या है, तो ये आपका थायलाकॉइड का मेम्ब्रेन जिसमें आपका ये प्रोटीन है, बराबर। तो ये आपका प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ में आपके पास में अलग अलग क्या प्रेजेंट है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। तो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स के अलावा यहाँ पे आपका जो प्रोटीन है यहाँ पे मेम्ब्रेन में एम्बिडेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, आपके रिएक्शन सेंटर को, या एनर्जी डोनेट करता है किसको, आपके रिएक्शन सेंटर को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस जो है, इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो फोटोसिंथेसिस में हमने सबसे पहले
ये पढ़ा कि आपका जो फोटोसिंथेसिस है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए, जिसमें आपको पहले लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है, और बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी अपन क्या करते हैं, सी ओ टू को फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो सी ओ टू को फिक्स करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, आपके कार्बोहाइड्रेट में। तो आपका जो फोटोसिंथेसिस है इसमें आपके अलग अलग जो फोटो सिस्टम है इन्वॉल्व होते हैं, और फोटो सिस्टम जो है आपका इसमें आपका लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स और या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और आपका रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं मेन फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस और रिएक्शंस। टू फेजेस कौन से हैं, एक है लाइट डिपेंडेंट फेज और दूसरा होता है लाइट इनडिपेंडेंट फेज। पहले आपका जो लाइट डिपेंडेंट फेज है इसको पहले लाइट रिएक्शन बोला जाता था, और लाइट इनडिपेंडेंट फेज जो है इसको डार्क रिएक्शन बोला जाता था। बट ये आपका जो डार्क रिएक्शन है ये वर्ड अपन अभी यूज़ नहीं करते, क्योंकि आपका जो लाइट इनडिपेंडेंट फेज है इसमें जो अपन केल्विन साइकिल पढ़ेंगे या जो भी अपन C3 C4 पाथवे पढ़ेंगे, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इसका रेगुलेशन लाइट डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको कम्प्लीटली डार्क रिएक्शन नहीं बोला जा सकता, इसको आप लाइट इनडिपेंडेंट फेज बोल सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास में दो फेजेस है, एक है लाइट डिपेंडेंट फेज और दूसरा होता है लाइट इनडिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज कहाँ पे हो रहा है, तो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है, बराबर। और ये लाइट डिपेंडेंट फेज अगर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर है तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमने बोला ये ATP एंड NADPH के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ATP एंड NADPH का सिंथेसिस अगर आपके लाइट रिएक्शन में हो रहा है और या फिर लाइट डिपेंडेंट फेज में अगर ये हो रहा है, तो ATP को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फॉर द फिक्सेशन ऑफ CO2। तो फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू द शुगर मॉलिक्यूल, बराबर। तो आपका फिक्सेशन कहाँ पे होता है, तो लाइट इनडिपेंडेंट फेज में अपन शुगर का सिंथेसिस करते हैं, और लाइट इनडिपेंडेंट फेज में हम पढ़ेंगे केल्विन साइकिल या C3 पाथवे जिसमें आपका शुगर का सिंथेसिस होना है। ठीक है, तो लाइट इंडिपेंडेंट फेज आपका होता है स्ट्रोमा में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर लाइट रिएक्शन आपका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है तो आपका लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो ये अपन ने केल्विन साइकिल कहाँ पे निकाला है, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहाँ पे निकाला है, आपके थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज। और लाइट डिपेंडेंट फेज जो है आपका, इसको अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो लाइट डिपेंडेंट फेज इन प्लांट जो है इसमें आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बोला था कि हमारे पास में फोटोसिस्टम होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे पास में प्लांट की में अगर अपन बात करते हैं लाइट रिएक्शन की, तो हमारे पास में दो फोटोसिस्टम होते हैं, एक होता है फोटोसिस्टम 1 और दूसरा होता है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जो रहेंगे ये आपके लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व है। फोटोसिस्टम 1 जो है इसके पास में होता है P700। ठीक है, तो P700 फोटोसिस्टम 700 जो है ये लाइट एब्जॉर्ब करता है एट 700 नैनोमीटर। तो फोटोसिस्टम 2 लाइट को एब्जॉर्ब करता है एट 680 नैनोमीटर। अब ये 680 के ऊपर क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है और वो 700 के ऊपर एब्जॉर्प्शन शो क्यों कर रहा है। फोटोसिस्टम 1 जो है इसकी अगर हम बात करते तो फिर से वही कंसेप्ट आएगा कि फोटोसिस्टम 1 जो है इसके पास में आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है इसमें आपके पास में लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स है, उसके बाद में प्रोटीन्स भी हैं जो आपके पिगमेंट के साथ में एसोसिएट है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो आपका एनर्जी डोनेट करता है किसको, आपके रिएक्शन सेंटर को, बराबर। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फर्स्ट है। तो अगर अपन फोटोसिस्टम 2 की बात करते तो यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंड रहेगा, जहाँ जिसके पास में ऐसे लाइट हार्वेस्टिंग एंटेना पिगमेंट्स होते हैं जो 680 के ऊपर आपके एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं या 680 वाले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये आपका 700 नैनोमीटर के ऊपर क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब फोटोसिस्टम 2 जो है
यहाँ से अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फोटोसिस्टम टू जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और आपका पहुँच जाता है एक्साइटेड स्टेट में। तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए हमारे पास में होता है वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये अपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। वाटर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वाटर से आपको क्या मिलेगा, तो वाटर इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करता है तो वाटर से आपको एच प्लस और ऑक्सीजन मिलेगा। तो ओ टू इज इवॉल्व फ्रॉम दी वाटर मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन आ गया किसके पास में, तो इलेक्ट्रॉन आ गया आपका P680 के पास में। फोटोसिस्टम टू एक्साइटेड स्टेट में चला गया। फोटोसिस्टम टू जो है अगर ये एक्साइटेड स्टेट में अगर जाता है तो आपका ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फियोफाइटिन को। फियोफाइटिन जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आपका क्यूनोन को। तो क्यू ए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्यू बी को। क्यू बी जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आपके साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा P700 को। P700 जो है ये आपका एक्साइटेड स्टेट में गया और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा A0A1 को। उसके बाद में FeSx, तो A0A1 आपकी क्लोरोफिल है, FeS आयरन सल्फर सेंटर, XAB उसके बाद फेरेडोक्सिन, और फेरेडोक्सिन आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फेरेडोक्सिन NADP रिडक्टेज को। ये आपका एक एंजाइम है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन आने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है NADP पॉजिटिव को। तो NADP पॉजिटिव इज कन्वर्ट टू NADPH। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन अगर आपका ट्रांसपोर्ट किया या ट्रांसफ़र किया जाता है टूवर्ड्स दी फेरेडोक्सिन NADP रिडक्टेज, तो फाइनली आपका इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है NADP पॉजिटिव के पास, जो कन्वर्ट होता है NADPH में, मतलब रिड्यूस फॉर्म में, बराबर। अब देखो यहाँ पे कि ये जो अपन ने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन निकाला है ये हर एक कंपोनेंट को उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अपन ने निकाला है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव या नेगेटिव में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंडिकेट करता है कि कौन से रेडॉक्स पेयर की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है। जिसके पास में चार, जिसके पास में वैल्यू सबसे ज़्यादा निगेटिव, वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जैसे P700 का अगर -2.0 लिखा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है A0 को, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू P700 से मोर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना दिख रहा है, तो इसका वैल्यू आपको -1.8 के पास पास दिख रहा है। A0 किसको कर रहा है, तो A1 को, तो उसका वैल्यू उससे थोड़ा कम है। तो आपका FD किसको कर रहा है, FNR को, तो FD का अगर आप 1.4 लिखते हो तो FNR का 1 है, बराबर। तो ये आपका FNR जो है इसका आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू -1 दिख रहा है, तो FD का कितना होगा, -1.2 होगा, -1.3 होगा, बट मोर निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिस रेडॉक्स पेयर का मोर निगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या रहेगा, डोनर रहेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू के हिसाब से हमने इसको अरेंज किया है, इसलिए ये आपको जेड स्कीम की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको जेड स्कीम भी बोला जाता है। उसके बाद में आपका जो अपन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो बात की है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने बोला था कि जो आपका लाइट रिएक्शन है इसमें NADPH सिंथेसिस होता है, एज वेल एज ATP का भी सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे ATP का सिंथेसिस कैसे होता है और NADPH का सिंथेसिस कैसे होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए और यही कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने क्या बोला था कि वाटर एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। तो वाटर अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रहा है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे अगर आपको एक NADPH का अगर प्रोडक्शन करना है,
तो एक NADPH के प्रोडक्शन करने के लिए आपको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, बराबर। तो दो इलेक्ट्रॉन की अगर आपको यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, तो हम यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल अगर यूज़ करते हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल से आपको यहाँ पे दो H+ मिल जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अगर मैंने चार वाटर मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं, सॉरी, यहाँ पे अगर आपने दो वाटर मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं, तो दो वाटर मॉलिक्यूल से आपको क्या मिलेगा? तो दो वाटर मॉलिक्यूल से आपको चार H+ और चार इलेक्ट्रॉन और एक O2, बराबर। तो एक O2 अगर आपको प्रोड्यूस करना है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल से वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर के पास में एक ही ऑक्सीजन है, बराबर ना। तो कम से कम आपको कितने ऑक्सीजन यूज़ कर कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करने पड़ेंगे? तो कम से कम आपको यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करने पड़ेंगे। तो दो वाटर मॉलिक्यूल आप यूज़ करते हो, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे, जिससे आपको चार प्रोटॉन और चार इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब वन बाय वन ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम भेजेंगे कहाँ पे? आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो वाटर इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करता है? तो ये फोटोसिस्टम 2 को करता है। तो फोटोसिस्टम 2 को अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइट से, ठीक है। तो वन बाय वन आपको स्टेप याद रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है आपका लाइट का, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप। लाइट अगर फोटोसिस्टम 2 एब्जॉर्ब करता है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आपके प्लास्टो क्यूनोन को, ठीक है। प्लास्टो क्यूनोन जो है, ये प्लास्टो क्यूनोन आपका एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है, तो ये आपका सेमी रिड्यूस फॉर्म में चला गया। मतलब अपन क्या बोलेंगे कि PQ जो है, ये अभी PQ आपका कन्वर्ट हो गया 1- में। इसको जब तक दो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट नहीं करता, या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब तक इसके पास में नहीं आती है, कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं होगा, मतलब ये आगे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया लाइट एनर्जी से। अब अपन क्या करते हैं, जो सेकेंड है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन भेजते कहाँ से? आपके वाटर से। तो हमारे चार इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन आपका हमने फोटोसिस्टम 2 को डोनेट कर दिया। फोटोसिस्टम 2 जो है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फियोफाइटिन से प्लास्टो क्यूनोन। प्लास्टो क्यूनोन आपका PQ- में है, तो अभी PQ- के पास में फिर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये डबल निगेटिव हो गया। डबल निगेटिव मतलब कंप्लीट रिड्यूस, और कंप्लीट रिड्यूस फॉर्म जो है, ये आपके दो प्रोटॉन के साथ में बाइंड हो जाता है। तो दो प्रोटॉन कहाँ के एक्सेप्ट करता है? तो दो प्रोटॉन ये स्ट्रोमा के एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो दो प्रोटॉन इसने स्ट्रोमा के एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो स्ट्रोमा के दो प्रोटॉन के साथ में बाइंड होने के बाद में ये हो गया PQH2। तो PQ डबल निगेटिव था, तो ये आपका हो गया अभी PQS2। PQH2 जो है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? तो PQS2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आपके साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6F जो है, इसमें आपका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में PQ जो है, ये फिर से आपका कौन से फॉर्म में आ गया? तो ये सेमी रिड्यूस फॉर्म में आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करता है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों प्रोटॉन जो है, ये रिलीज किए जाते हैं इनटू दी थाइलाकॉइड ल्यूमेन। तो थाइलाकॉइड ल्यूमेन जो है, यहाँ पे आपके दोनों जो प्रोटॉन हैं, ये रिलीज किए जा रहे हैं। तो पर इलेक्ट्रॉन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपने दो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट किया फ्रॉम स्ट्रोमा टू दी थाइलाकॉइड ल्यूमेन, बराबर। तो पर इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे क्या किया? दो
प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट किया फ्रॉम स्ट्रोमा टू दी थैलाकोइड ल्यूमेन। उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में हम फिर से प्लास्टोक्विनोन जो है ये आपका सेमी रिड्यूस फॉर्म में आ गया। फिर से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन भेजने के बाद में तीन पड़े थे, तो तीन इलेक्ट्रॉन फिर से वाटर के हमारे पास में है, तो फिर से अपन एक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, फिर से सेम रिएक्शन होगा। और फाइनली चार इलेक्ट्रॉन अगर आप वाटर के यहाँ पे डोनेट करते हो तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में प्रोटॉन कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो पर इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन, तो चार इलेक्ट्रॉन अगर आप पास करते हो तो एट प्रोटॉन यहाँ पे आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो एट प्रोटॉन का ग्रेडियंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ पर टू वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद में आपके चार इलेक्ट्रॉन मतलब दो पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये साइटोक्रोम B6 प्लास्टोसाइनिंग फोटोसिस्टम 1 फेरेडॉक्सिन, उसके बाद में फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, एंड फाइनली जो टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं ये अगर NADP के पास में पहुँचते हैं, तो अपन ने क्या बोला था कि एक NADPH बनाने के लिए आपको वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन की। तो अगर आप यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो तो यहाँ पे आपके कितने NADPH प्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ पे आपके दो NADPH का प्रोडक्शन होगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि एक वाटर मॉलिक्यूल अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह अगर काम करता है तो यहाँ पे आपके पास में दो NADPH का प्रोडक्शन हो गया, दो NADPH बराबर। और उसके बाद में आठ प्रोटॉन का ग्रेडियंट, आठ प्रोटॉन ये और चार प्रोटॉन हमने पहले से ही प्रोड्यूस करके रखे हैं, तो आठ प्लस चार टोटल हो गया आपके 12 प्रोटॉन ग्रेडियंट। 12 प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है ये अगर आप यूज़ करते हो तो 1 ATP बनाने के लिए, 1 ATP बनाने के लिए आपको चार प्रोटॉन की ज़रूरत पड़ती है बाई यूटिलाइजिंग F0F1 ATPase कॉम्प्लेक्स। तो F0F1 जो आपका ATPase कॉम्प्लेक्स है ये चार प्रोटॉन को यूज़ करके एक ATP का सिंथेसिस करता है, तो टोटल यहाँ पे हमारे पास में 12 अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट है तो यहाँ पे हम सिंथेसिस करेंगे 3 ATP। तो हमारे पास में ATP कितने बन सकते हैं, तो हम 3 ATP यहाँ पे सिंथेसिस कर सकते हैं। तो दो वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ करके हमने यहाँ पे दो NADPH और 3 ATP का सिंथेसिस किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइट रिएक्शन। तो ये कुछ आपका इजी एक्सप्लेनेशन है कि आपका फोटोन वो जो है ये फोटोसिस्टम 2 जो है इसके पास में अगर आता है तो ये इलेक्ट्रॉन को पास करता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट अगर करता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर ये आपका इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ NADPH, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो लाइट रिएक्शन है इसमें हमने NADPH एंड ATP जो है इसका सिंथेसिस किया है। तो यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन है ये दो टाइप के पाए जाते हैं, जिसमें आप जो भी प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दी सिंथेसिस ऑफ ATP। तो ATP के सिंथेसिस के लिए हमने यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज़ किया है, बराबर। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज़ किया फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP, तो हमने क्या बोला कि जो हमारे पास में ADP था इसको अपन ने PI के साथ में रिएक्ट किया तो इससे बन गया आपका ATP। तो ATP बनाने के लिए ADP प्लस PI चाहिए, मतलब अपन इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि ADP का हम फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं। तो ADP का फॉस्फोराइलेशन करने के लिए आपको ज़रूरत किसकी पड़ती है, तो ADP का फॉस्फोरिलेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है प्रोटॉन ग्रेडियंट की। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ से आता है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है हमने यहाँ पे पढ़ा किससे आता है, तो ये हमने पढ़ा लाइट से आता है, बराबर। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है ये यहाँ पे अगर आपका लाइट से आता है तो कहीं जगह कोई कोई रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी आपके रिड्यूस कोएंजाइम है उसको ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। तो दो तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, एक ऑक्सीडेशन और एक लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन
से अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट आप इस्टेब्लिश करते और उसको यूज करते फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी तो उसको बोला जाता है फोटो फॉस्फोरिलेशन। बट अगर आप ऑक्सीडेशन का प्रोटॉन ग्रेडियंट यूज कर रहे फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे लाइट एनर्जी का ही पढ़ना है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये आपका फोटो फॉस्फोरिलेशन है। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है ये दो टाइप का होता है, एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। जो हमने अभी पढ़ा है वो आपका लीनियर था, जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम टू ने डोनेट किया वो कभी भी आपका फोटोसिस्टम टू के पास में वापस नहीं आता, तो इसलिए उसको बोला था नॉन साइक्लिक। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोसिस्टम टू एंड फोटोसिस्टम वन ये दोनों आपके इन्वॉल्व होते हैं, और ये आपका मोस्ट कॉमन लाइट रिएक्शन पाथवे है, ठीक है, जिसको अपन ने क्या बोला था जेड स्कीम बोला था। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन वन डायरेक्शन में फ्लो होता है, यहाँ पे एटीपी भी सिंथेसिस होता था और एनएडीपीएच का भी सिंथेसिस होता था। उसके बाद में अगर यहाँ पे ये आपका नॉन साइक्लिक हमने पढ़ा जिसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट जो इस्टेब्लिश हो रहा है उसको अपन एटीपी का सिंथेसिस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसको हम पास कर देते किसके पास में एनएडीपीएच, जो सिंथेसिस करके देता है एनएडीपीएच का। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन अगर एक बार फोटोसिस्टम टू से अगर पास होता है तो ये कभी भी आपका फोटोसिस्टम टू के पास में वापस नहीं आ रहा है, बराबर। तो इसलिए ये आपका नॉन साइक्लिक हो गया। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की अगर अपन बात करते तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ फोटोसिस्टम वन इन्वॉल्व होगा जिसको अपन ने P700 बोला था, और ये आपका NADPH के सिंथेसिस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे आपका ATP का सिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। तो जब आपके पास में ATP डिफिशिएंट कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को एक्टिवेट करते हो, तो यहाँ पे आपके पास में जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसका अगर आप रिएक्शन देखोगे तो इसमें आपका जो फोटोसिस्टम वन है यही इन्वॉल्व है। फोटोसिस्टम वन आपका जो है ये एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपका A0X, उसके बाद में आयरन सल्फर सेंटर, उसके बाद में फेरेडोक्सिन, उसके बाद में फेरेडोक्सिन जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6F जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन जो है तो प्लास्टोसाइनिन जो है ये प्लास्टोसाइनिन आपका फिर इलेक्ट्रॉन पास करता है फोटोसिस्टम वन को, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये आपका जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। तो ये आपका जब ATP डिफिशियंट कंडीशन आता है और आपके पास में NADPH जो है ये एक्यूमुलेट होता है, मतलब NADPH हमारे पास में बहुत ज़्यादा पड़ा है तो NADPH की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट ATP डिफिशियंट कंडीशन, तो उस केस में हम NADPH को सिंथेसिस नहीं करते, हम इंड्यूस करते ATP प्रोडक्शन को। तो ATP प्रोडक्शन अगर आप इंड्यूस करते हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को एक्टिवेट करना चाहिए, ठीक है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है इसमें फेरेडोक्सिन जो है ये इलेक्ट्रॉन NADPH को डोनेट नहीं करता, तो फेरेडोक्सिन जो है इलेक्ट्रॉन NADPH को डोनेट नहीं कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है साइटोक्रोम B6F को, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट को इस्टेब्लिश करने के लिए, जो आगे चल के ATP को सिंथेसिस करके देगा, ठीक है। तो फोटो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में डिफरेंस क्या है, साइक्लिक में फोटो सिस्टम वन ही इन्वॉल्व होता है, तो नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व होते हैं। साइक्लिक में आपका ATP सिंथेसिस होता है, तो नॉन साइक्लिक में NADPH के साथ साथ ATP का भी सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो है ये लाइट रिएक्शन के बाद में आपका यहाँ पे नेक्स्ट सम हर्बिसाइड ब्लॉक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो जो आपका लाइट रिएक्शन है ये लाइट रिएक्शन को इनिबिट करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ हर्बिसाइड के एग्जांपल है जो आपके
एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिसको हमें किल करना होता है, उसके फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, उसके लाइट रिएक्शन को ब्लॉक करते हैं। तो DCMU जिसको अपन डाई यूरोन या फिर डाई क्लोरोफिनिल डाईमिथिल यूरिया बोलते हैं, ये आपका QA एंड QB के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसको ये ब्लॉक करता है। तो पैराक्वेट जो है जिसको अपन मिथिल वाइलोजन बोलते हैं, ये आपका जो फोटोसिस्टम वन जो है इसका जो अर्ली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो जो भी आपके फोटोसिस्टम वन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो उस पाथवे को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो पैराक्वेट जो है ये फोटोसिस्टम वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को ब्लॉक कर रहा है। तो आपका जो DCMU है ये फोटोसिस्टम टू से जब अपन आपके प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उस स्टेप को ये ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में रिपेयर एंड रेगुलेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी। तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस में अगर अपन बात करते तो फोटोसिंथेसिस में आपका अगर एनर्जी फोटो, अगर अपन यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी, हायर लाइट इंटेंसिटी अगर यूज़ करते फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो उस केस में आपका जो एनर्जी रहेगा फोटोन का वो आपके फोटोसिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो कोई भी कंडीशन में क्या होता है कि अगर लाइट इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा होती है तो उस केस में आपके फोटोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, और उस केस में आपके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई नहीं होता। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है इसका मतलब आपके फोटोसिस्टम से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो फोटोसिस्टम इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा? तो आपका जो फोटोसिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपके ऑक्सीजन को। अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है तो यहाँ पे आपके पास में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होती है, फॉर एग्जांपल सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल, सिंगलेट ऑक्सीजन या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो जो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होते हैं वो आपके मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है इनके पास में जो भी आपका हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट के केस में जो आपका डैमेज हो रहा है उसके अगेंस्ट में इनके पास में रिपेयर मैकेनिज्म होती है, या इन्होंने रिपेयर मैकेनिज्म को क्या किया है, इवॉल्व किया है। तो इसमें से यहाँ पे फर्स्ट कि हमारे प्लांट के पास में अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म होती है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो सबसे पहले फोटोन का इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा होता है, तो फोटोन का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है तो अपन क्या करते हैं, जितना एनर्जी आपको यूज़ करना है वो उतना आप फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा फोटोसिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, तो इसका मतलब बचा हुआ एनर्जी किसको पास करेंगे, तो एक्सेस फोटोन जो है इस ये अगर आपका फोटोसिस्टम एक्सेप्ट करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में ये आपका क्या करेगा, हीट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ करेगा। बट हीट के फॉर्म में भी कितना रिलीज़ करेगा, एक कंडीशन ऐसे आएगा कि वो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज का जनरेशन होगा। तो अगर यहाँ पे आपका हीट फॉर्म में अगर एनर्जी आप रिलीज कर सकते हो तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है, आप हीट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहे हो या फिर लाइट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट हो जाएगा। अब आपका काम करेगा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो है इसमें जो भी आपके एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये आपका इसका इनिबिशन रहेगा आपके टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट्स के ऊपर। बट अगर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म भी अगर काम करना बंद कर देता है तो उस केस में आपका फोटोसिस्टम डैमेज हो जाता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है आपके फोटोसिस्टम टू को। फोटोसिस्टम टू को ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान क्यों पहुँचता है, क्योंकि आपका फोटोसिस्टम टू जो है इसके पास में मोस्ट सेंसिटिव प्रोटीन होता है, दैट इज़ D1, ठीक है।
और D1 अगर डैमेज होता है तो आपका फोटो सिस्टम 2 भी डैमेज हो जाएगा, और अगर D1 डैमेज होता है तो उसको अपन रिपेयर नहीं कर सकते, बाकी फोटो सिस्टम को अपन रिपेयर कर सकते, बट D1 जो है आपको नए से क्या करना पड़ेगा, सिंथेसिस करना पड़ेगा। अगर D1 अगर आपका डैमेज हो गया, फोटो सिस्टम अगर डैमेज हो गया, तो उस कंडीशन को बोला जाता है फोटो इनिबिशन। फोटो इनिबिशन का मतलब होता है कि एक्सेसिव लाइट के कारण, हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कारण यहाँ पे आपका फोटो सिस्टम डैमेज हो रहा है, फोटो सिंथेसिस इनिबिट हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है फोटो इनिबिशन। ठीक है, तो जो भी आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, इसमें आपके कैरोटीनॉइड जो है ये आपके एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं, जो फोटो इनिबिशन को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद में आपका जो कैरोटीनॉइड है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी को ऑक्सीजन के पास में पास नहीं होने देता, उसको बोला जाता है क्विंचिंग। ठीक है, तो क्विंचिंग आपके दो टाइप की होती है जो फोटो इनिबिशन से प्लांट को बचाती है। तो फर्स्ट की अगर क्विंचिंग की अगर बात करते तो क्विंचिंग आपकी दो टाइप की होती है, फोटोकेमिकल क्विंचिंग एंड नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग। फोटोकेमिकल क्विंचिंग का मतलब होता है कि अगर आप लाइट को एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है, अगर आप लाइट को एब्जॉर्ब करते हो तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में या एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में एनर्जी को आप लाइट के फॉर्म में अगर आप रिलीज करते हो तो उसको बोला जाता है फोटोकेमिकल क्विंचिंग, जो आपका फ्लोरोसेंस का एक एग्जाम्पल है। तो कैरोटीनॉइड जो है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम फोटो सिस्टम, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में इसको आपका एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट को अगर ये इमिट करता है, तो हायर वेवलेंथ वाले लाइट को अगर ये इमिट करता है तो अपन उसको बोलेंगे फ्लोरोसेंस, और ये आपका एग्जाम्पल होता है फोटोकेमिकल क्विंचिंग का। तो नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग में एनर्जी को आप लाइट के फॉर्म में रिलीज़ नहीं करते, एनर्जी को आप रिलीज़ करते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट के फॉर्म में अगर आप एनर्जी को रिलीज़ करते हो तो उसको बोला जाता है नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग। ठीक है, तो आपके जो नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग है इसमें आपके अलग अलग जो कैरेटिनॉइड्स है ये काम करते हैं। तो कैरेटिनॉइड्स में एग्जांपल आपके इसमें ज़ैंथोफिल का, उसके बाद में वायलोज़ैंथिन, एंथेरोज़ैंथिन, ज़ियाज़ैंथिन, जो आपके नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी ये आपके हीट को रिलीज करेंगे। ठीक है, फोटोसिस्टम 2 की जब अपन ने बात की तो फोटो इनिबिशन के लिए फोटोसिस्टम 2 ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, और फोटोसिस्टम 2 क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें जो भी D1 प्रोटीन है ये मोस्ट सेंसिटिव होता है, जो आपके फोटो इनिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो D1 जो है ये आपका फोटोसिस्टम 2 में मोस्ट सेंसिटिव होता है, और D1 प्रोटीन एक बार अगर आपका डैमेज होता है तो उसको आपको नए से ही सिंथेसिस करना पड़ता है। तो बाकी जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं फोटोसिस्टम 2 के, तो इसको अपन रिसाइकल कर सकते हैं, बट D1 प्रोटीन जो है इसको आपको नए से ही सिंथेसिस करना पड़ेगा। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 जो है ये आपका बहुत कम डैमेज होता है अगेन दी ऑक्सीजन स्पीशीज, क्योंकि फोटोसिस्टम वन जो है इसको डैमेज होने से आपका प्रिवेंट करते हैं नंबर ऑफ एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड अस्कॉर्बेट परऑक्सीडेज। तो यहाँ तक अपना जो लाइट रिएक्शन है प्लांट में ये ख़त्म हो गया है, बाकी का अपन बाद में कंटिन्यू करते हैं।